Student!

अब बारी है इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की और जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं बहुत ही आसानी से पहचान भी लोगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी और किस तरीके से हम इसे बहुत ही ज्यादा इजी वे में सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं ओके और इस एक्सरसाइज को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज पे बेस्ड हर बार क्वेश्चन आता है तो इस बार भी आएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की इलेवंथ एंड ट्वेल्थ क्लास की साइंस स्ट्रीम या फिर मैं कहूँ साइंस स्ट्रीम मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली से तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से पढ़ना है तो यहाँ आइए मैग्नेट ब्रेन्स पे आप आसानी से अपने हर सब्जेक्ट को समझ सकते हो और फिर अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे आपको यहाँ इवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को और इंटीग्रल है आपका जीरो से पाई बाई टू कॉज एक्स डी तो एक बार हर बार की तरह हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को पहले लिखेंगे ओके okay, तो क्वेश्चन है आई इक्वल जीरो से आपका है लिमिट पाई बाई टू और फंक्शन है आपके पास कॉज स्क्स डी एक्स और इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को इंटीग्रेट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो आप सात आठ प्रॉपर्टीज पढ़कर आए थे जस्ट प्रीवियस वीडियो में उनका ही आपको यूज करना है और बहुत आराम से इन क्वेश्चन को खत्म करना है ठीक है तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैं सोचूंगी कि क्या कर सकती हूँ इसमें क्योंकि प्रॉपर्टी लगाना है मुझे तो मैं क्यों ही जाऊँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल के पास और फिर जाके इसमें इसकी जो पावर है उसे कम करूं फिर इंटीग्रेट करूं वो काम तो मुझे करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में क्यों क्योंकि मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगानी है डेफिनेट इंटीग्रल की तो चलो डायरेक्ट प्रॉपर्टी सोचते हैं कि उन सात आठ प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ लग जाएगी तो एक मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनना एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कौन सी वाली मैम आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स याद है हाँ मैम बिल्कुल याद है इसका रिजल्ट क्या होता था जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स बोलो ना बिल्कुल हाँ ठीक है तो क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में लगा दूं फिर आप मुझसे बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा वो आठ प्रॉपर्टीज थी कौन सी प्रॉपर्टी लगाना ये सब कैसे पता चलता है तो देखो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको हल्की हल्की हिंट भी दी है कि अगर ऐसा दिखे तो आप ये प्रॉपर्टी को लगाने की कोशिश करो तो उसी हिंट का थोड़ा सा आप यूज लो और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको अपने आप अप दिखने लगेगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगानी है या कोई और प्रॉपर्टी लगानी है ठीक है तो देखो कैसे देखेगा मैम आप बताओ कैसे दिखेगा ये तो सुनो यहां पे मैंने इस प्रॉपर्टी को ही क्यों याद किया पहली बात तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को ना सॉल्व करोगे सबसे ज्यादा यूज में जो प्रॉपर्टी आती है ना वो ये प्रॉपर्टी है मोस्टली आपके क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से फिनिश हो जाते हैं ठीक है पहली बात तो ये आप समझ चुके हो दूसरी बात जब जब आपको कुछ इस टाइप की लिमिट दिखे ना देखो यहां क्या है जीरो से ए यहाँ क्या है जीरो से स्टार्ट हुआ है ठीक है तो काफी सही जा रहे हैं अपन जीरो से समथिंग स्टार्टेड है और अगर अपर लिमिट पाई बाई टू है अगर अपर लिमिट पाई बाई टू है तो हंड्रेड परसेंट चांस है कि ये प्रॉपर्टी तो लगने वाली है ठीक है ऐसा क्यों आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें आप अपने आप ही क्वेश्चंस को देख के ऑब्जर्व करके अपने ही रूल्स बना लोगे इसमें ठीक है तो ऐसा होता है ऐसा सच कोई रूल नहीं है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो ये चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगी और आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो चलो इस प्रॉपर्टी को लगा के सॉल्व करते हैं ओके ठीक है तो हमने यहाँ से क्या समझा कि ठीक है ट्रिग्नोमेट्री दिया है अच्छी बात है लिमिट हमारी जीरो से पाई बाई टू है और मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री दे और लिमिट जीरो से पाई बाई टू है मोस्टली या फिर जीरो से पाई बाई फोर तो हम हमेशा या मोस्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है ये प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि आप जरा इसमें उसे लगाओ तो कैसे लगाएंगे देखो जीरो से एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम जीरो से ए लिखते हैं ठीक है है तो यहां पे आप लिखेंगे जीरो से ए। ए क्या है आपका फाइव बाई टू और उसके बाद क्या लिखा है कॉज स्क्वेर एक्स और एक्स को किससे रिप्लेस करना है आपको ए माइनस एक्स से रिप्लेस करना है एक्स को किससे रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है और ये ए क्या है ए तो आपकी अपर लिमिट है तो आपका ए क्या है इस क्वेश्चन में आपका ए पाई बाई टू है तो आप इस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और ये रहा आपका dx ये बात क्लियर है जीरो से एफ एक्स डी एक्स ये प्रॉपर्टी क्या कहती है ये कहती है जीरो से ओके okay? कैसे लगाते हैं अपन इसको पूरा question as it is copy किया बस एक्स की जगह पे ए कौन है पाई बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया आपने जो भी आपका एक्स था उसे किससे रिप्लेस किया फाइव बाई टू माइनस एक्स से ओके okay? अब आप जानते हो कि कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है वॉट इज cos 90 माइनस थीटा ये तो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो यहाँ पे क्या है कॉज 90 माइनस एक्स तो आप इसे क्या पढ़ेंगे साइन एक्स ठीक है कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन वो ही जो बचपन में सीख कर रहा है कॉज थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा राइट right? तो उस प्रॉपर्टी को हम यहां लगा देते हैं ओके सो so, आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू जीरो से पाइव बाई टू और कॉज नाइनटी माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स तो यहां पे आप क्या लिखेंगे साइन अब ये स्क्वायर है तो लगा दो तो साइन स्क्वायर एक्स और ये रहा आपका डी एक्स ठीक है अगर ऐसे स्क्वायर से कंफ्यूजन हो जाता है तो आप ये स्क्वायर यहां से हटा के इसको ऐसे होल स्क्वायर बना के भी लिख सकते हो वो बात एक ही होती है ठीक है लेकिन अब आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है आप तो यहीं लगाओ और सॉल्व करते चलो ठीक है और अगर था तो आपको मैंने डाउट क्लियर कर दिया है ओके okay, जी तो कॉज स्क्वायर नाइनटी माइनस एक्स साइंस स्क्वायर एक्स यहां तक कोई परेशानी नहीं अब मेरी एक और बात सुनो इस प्रॉपर्टी को जब आप लगा रहे हो कौन सी वाली ये वाली जीरो से ए अपने मन में बोलो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स अगर ये प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो और क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसे फर्स्ट फंक्शन बना दो फर्स्ट इक्वेशन बना लो और जब आपने ये a माइनस लगा दिया सॉल्व कर दिया जो भी रिजल्ट आया उधर आप सेकेंड इक्वेशन लिख दो हमेशा अगर आप इस आइडेंटिटी का इस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो अपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो आप जो जो आपको क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे आई इज इक्वल टू जरूर लिख लेना ठीक है हर जगह ये तो चलाना है आपको ओके सो so, जो क्वेश्चन गिवन था उसे फर्स्ट बोल दो इस प्रॉपर्टी को लगा के जब सॉल्व किया तो जो आपके पास इक्वेशन आई उसे सेकेंड इक्वेशन बोल दो ठीक है अब क्या होगा मैम अब सुनो जो मैंने ये प्रॉपर्टी यहां लिखी है अब इसे इसे किया जाएगा तो इन तो एक एक क्वेश्चन में ये स्टेप्स फॉलो होती है ठीक है जब ट्रिग्नोमेट्री है तो वन एंड टू आप लिख ही देना एड करो सल्यूशन मिलेगा ओके तो जब आप वन एंड टू को एड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे तभी इसलिए स्टार्टिंग में कहा था आई इज इक्वल टू लिख के आप क्वेश्चन को बिगेन करें अपना सो आई प्लस आई कितना देगा टू आई सो टू आई इज इक्वल टू क्या लिखू यहा पाई बाई टू क्या लिखा है ये लिखा है कॉज स्क्वेर एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई टू सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है साइन स्क्वायर डी एक्स अब ये दोनों की लिमिट सेम है तो एक बना देती हूं मैं इंटीग्रेशन की लिमिट राइट सो टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू ओके ये कंफ्यूज नहीं होना ये कहां से जीरो आ गया ठीक है जीरो से पाई बाई टू और इन दोनों को आप एड कर दो और एक सिंगल फंक्शन बना लो क्योंकि दोनों का देखो ना ये सेम है इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो इन्हें साथ में ऐड करके आप कैसे लिखेंगे आइडेंटिटी right? है? है ये मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट थी है. क्या है इसका आंसर वन ठीक है क्योंकि सबसे पहले ना यही याद होती है तो साइंस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन राइट right. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिखेंगे one, okay? so से पाई बाई टू और ये मिला वन इन टू बाय एक्स और अब आपके चेहरे पे हंड्रेड परसेंट बहुत बड़ी स्माइल आ रही होगी पूछो क्यों क्योंकि अब तो इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है राइट right. वन का इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या अपन वन का इंटीग्रेशन क्या होता है वन तो कांस्टेंट है तो जिस रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो वेरिएबल आ जाएगा मैम वेरी गुड तो हम इस वन डीएक्स का इंटीग्रेशन करके क्या लिख देंगे हम लिखेंगे X, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी का तो सवाल ही नहीं है ठीक है सो वन डी का इंटीग्रेशन किया हमें मिला एक्स फिर हम लगा देंगे लिमिट्स जीरो से पाई बाई टू तक ये बातें सब क्लियर होती जा रही है ठीक है यही सॉल्व कर दू है ना यही सॉल्व कर देती हूँ आगे क्या करने वाले यहीं से देख लो आप लोग आ जाओ यहां पे देख लो आंसर ओके okay? सो so, हमें क्या मिला टू आई सो टू आई इज इक्वल टू इस x की जगह पे अपर लिमिट रखो पाई बाई टू फिर माइनस लोअर लिमिट कितना है जीरो तो पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो पाई पाई आपको आंसर कितना मिला पाई बाई टू राइट फिर इस टू को आप यहां सेंड करो तो आंसर आपको मिल रहा है पाई बाई फोर और ये क्वेश्चन बड़े आराम से खत्म हो गया समझ में आया प्रॉपर्टीज कैसे लगती हैं पहला क्वेश्चन कोई भी तकलीफ यहाँ पे कोई समस्या तो मुझसे कहो बताओ सब ठीक है क्लियर है ना आंसर लिमिट रखना हम सीख चुके हैं हमने दो एक्सरसाइज पढ़ लिया बहुत अच्छे से लिमिट रखना हमें क्लियर है ओके okay, कैसे रखते हैं लिमिट एक्स की जगह पे अपर लिमिट फिर माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट सॉल्व किया तो पाई बाई टू माइनस जीरो मतलब पाई बाई टू तो हमारे सामने टू वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू आया तो आई कितना आ गया पाई बाई फोर और ये क्वेश्चन होता है खत्म ठीक इजी था कोई समस्या तो नहीं डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्वेश्चन को खत्म किया है ठीक है चलो सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आपने अपने आप से सॉल्व भी कर लिया है आप खुश भी हो चुके हो अब क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू को देखो मैम ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई डरने की बात नहीं है देखो किससे सॉल्व करना है प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है राइट right? आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है और मोस्टली कौन सी प्रॉपर्टी लगती है डेफिनेट इंटीग्रल की मोस्टली जो प्रॉपर्टी लगती है दैट इज जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में जीरो से पाई बाई टू लिमिट है और यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया है राइट तो आप उसमें क्या करें इस प्रॉपर्टी को एक बार लगा के सॉल्व करें मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाते हैं जो नहीं होते जिनमें एक दो एक्स्ट्रा लगती है वो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत की बात है ही नहीं और अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं तो सीखते चलो अच्छा कि अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो इस प्रॉपर्टी को लगाना है ये चीज़ें आप अपने आप से इसे कैलकुलेट करते चलो ठीक है एक क्वेश्चन हमने देखा उधर लिमिट कैसी थी जीरो से पाई बाई टू थी और एक ट्रिग्नोमेट्री था तो हमें देख के समझ में आ गया ये लगाना है अब ये क्वेश्चन कैसा है अगेन लिमिट जीरो से पाई बाई टू है और जरा स्ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से देखो आप राइट right? यहां साइन एक्स है यहां साइन एक्स है यहां कॉज एक्स है जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आसानी से इसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझे तो इसका आंसर भी दिख गया आपको इसका आंसर दिखा चलो दिखाते हैं आंसर क्लियर है ये क्वेश्चन क्यों लगाई ये प्रॉपर्टी हमने ये आपको ना हिंट अपने आप समझते समझते चलोगे आप लोग जब आप क्वेश्चंस को लगाते चलोगे तो अभी स्ट्रेस मत लो कि मैम कैसे पता चलेगा अभी बस क्वेश्चन को एंजॉय करो ठीक है चलो सो so, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही इस क्वेश्चन में मुझे जो हिंट दिखा मुझे ये प्रॉपर्टी दिखी और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने निकल चली आ जाओ सो so, क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नाम देंगे आपको इस क्वेश्चन को नाम देना है क्या नाम दे रहे हो आई ठीक है सो आप लिखेंगे आई कैसे ऐसे आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू ठीक है जी क्वेश्चन अंडर रूट साइन एक्स ओके और ये प्रॉपर्टी वाली जो एक्सरसाइज है ना ये सबसे ज्यादा इजी होती है इससे बिल्कुल आपको टेंशन तो नहीं लेना है सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है पूरे इंटीग्रेशन में राइट right? बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन आप खुद ही कितना सोचना पड़ता है कितना करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं बस प्रॉपर्टी लगाओ आंसर पाओ ठीक है आ जाओ अब अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और ये रहा आपका डीएक्स अगर कभी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का आ गया प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है टेंशन हो जाए समझ नहीं आए कैसे करना है तो एक बार इसे याद कर लेना ठीक है एक बार इस प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेना और लगा के देख लेना अगर हो जाता है तो सॉल्व ठीक है अदरवाइज फिर हिट एंड ट्राइल कुछ और प्रॉपर्टी लगाएंगे ओके okay? आ जाओ अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और मैं उस प्रॉपर्टी को लगाने वाली हूं तो मैं इस इक्वेशन को नंबर वन नाम दे रही हूं राइट right? चलो अब लगा दे जरा प्रॉपर्टी तो क्या कहती है वो कि जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स है तो हमें रिजल्ट मिलता है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स तो हम लिखेंगे जीरो से ए ओके okay? अब जहां, जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखोगे ए माइनस एक्स ए क्या है अपर लिमिट तो जहां पे भी एक्स है वहां क्या लिख देंगे आप लोग पाई बाई टू माइनस एक्स आई होप ये क्लियर है ओके okay? चलो अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे क्या रखना है a माइनस एक्स ए कौन है आपका पाई बाई टू तो आप रखेंगे डिवाइडेड अब इधर आ जाओ आप लोग। सो दिस अंडर रूट की जगह पे क्या रखना है आपको एक्स की जगह पे a माइनस एक्स ए क्या है आपका पाई बाई टू सो पाई बाई टू माइनस एक्स ओके प्लस अगेन अंडर रूट आपने लिखा कॉस और x की जगह पे क्या रखना है a x a क्या है आपका π 2 तो दिस इज π 2 x और क्वेश्चन खत्म यहाँ पे dx कौन लगाएगा अपन लगाएंगे ठीक है चलो अब बात सुनो देखो यहां से क्या समझ में आया कि जहां-जहां x है वहां-वहां a x से रिप्लेस करना होता है सिर्फ एक जगह पे रिप्लेस करके खुश नहीं होना आपको हर जगह रिप्लेस करना है ठीक है ओके okay, मैम अब मैं इस प्रॉपर्टी को हटा सकती हूँ, ये आपको एकदम याद हो गई है अब इधर से ही आप लोग आगे आ जाओ सो so, हमें क्या मिल रहा है आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू ठीक है जी अंडर रूट साइन नाइनटी माइनस ठीटा क्या होता है साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉस ठीटा देखो ये आपका एसी टी एस मेथड एसी 90 90 और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गिरता है तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना कि मैम पॉजिटिव है, okay? right? है आपका x थीटा बोलने की हैबिट है मुझे आप एक्स है तो एक्स लिख देना ओके सो साइन नाइनटी माइनस एक्स आप लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन नाइनटी माइनस एक्स कितना होगा कॉज एक्स तो यहाँ लिखा आपने कॉज एक्स प्लस अंडर रूट कॉस नाइन्टी माइनस एक्स नाइनटी माइनस एक्स क्या होगा कॉज नाइन्टी माइनस एक्स होगा आपका साइन एक्स और यहाँ लिखे आप डी एक्स और जब आपने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी है तो जो भी आपका आउटकम आया है अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला था तो इन्हें ऐसे नाम जरूर दे देना फर्स्ट इक्वेशन किसको दोगे जो क्वेश्चन गिवन था आई इज इक्वल टू लिख के क्वेश्चन बिगिन करें अपना ओके सेकेंड इक्वेशन किसको दोगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी लगा चुके हो और आपको फाइनल आउटकम मिल गया है तब आप सेकेंड प्रॉपर्टी लगा देना सेकेंड इक्वेशन लिख देना अब क्या होगा स्टेप बताओ मैम ऐड कर दो चलो ठीक है फर्स्ट प्लस सेकेंड को आप लोगों ने कहा ऐड करने के लिए तो हमने आपकी बात सुन ली और इसे हम ऐड जरा कर देते हैं चलो नेक्स्ट पेज पे चले नेक्स्ट पेज पे चले आ जाओ सो आई वन प्लस आई टू वाई आई वन प्लस आई टू वन प्लस टू था ना ठीक है ठीक है वन प्लस टू क्या दे रहा है आपको आई प्लस आई टू आई हो गया राइट जीरो से पाई बाई टू क्वेश्चन जो पहला था दैट वॉज अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ओके अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स और ये रहा आपका dx ठीक है आई टू कौन था आई टू मैम यही था जीरो से बस पाई आई टू कर दो और यहां पे आपको मिला था एक्स, यहाँ पे आपको मिला था एक्स और यहां पे आपको मिला था साइन एक्स और यहां पे आपको लिखना है डी एक्स चेक कर क्या एक बार चेक कर लेते हैं। वन एंड टू ये रहा वन ये रहा टू दोनों को किया एड अब दोनों को ऐड करना है दोनों की जो लिमिट्स है सेम है ना जीरो से पाई बाई टू, तो उन्हें एक लिमिट बना लो सो दिस टू से पाई बाई टू, एक लिमिट हमने बना लिया इनको प्लस इनको ऐड कर दो सो दिस इज अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स राइट प्लस बनाइए उसे लिखिए दिस इज अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ठीक है सब सही चल रहा है यहां डीएक्स बना लो डीएक्स बाद में बनाएंगे पहले ब्रैकेट बनाएंगे ओके अब रुको मैम बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है दोनों की डिनोमिनेटर देखो सेम है दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो कर दो ना इन्हें ऐड राइट right. एलसीएम क्या आएगा एलसीएम यही तो आएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स दोनों के पास यही तो है तो एलसीएम हमें क्या मिला जो दोनों के पास है क्या है दोनों के पास लिख के बता देते हैं अभी दिस इज जीरो से पाई बाई राइट अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना मैम ये तो है लिखो या बी प्लस ए लिखो क्या फर्क पड़ता है चलो. फिर हमने एक, में दिया, एक बना दिया डिनोमिनेटर एलसीएम ले लिया ठीक है अब इन दोनों को एड कर दो आप तो क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स यहाँ पे लिखो डी एक्स और यहाँ पे आपको फिर से खुश होने का मौका मिल रहा है क्यों क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है दोनों एकदम सेम टू सेम है दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे न्यूमिनेटर को हमने ऐड कर दिया एल्सियम लेके राइट एल्शियम क्या आएगा एल्शियम यही तो आएगा एड किया कैंसिल किया इसे कैंसिल किया तो क्या मिला इसे कैंसिल किया तो वन मिला वन का इंटीग्रेशन तो सबसे ज्यादा टफ होता है ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे तो यहां आपको मिला वन डी एक्स वन डॉट डी एक्स राइट अब वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो आप क्या लिखेंगे मैं यही आंसर लिख रही हूँ देखते चलना क्या है आपकी अपर लिमिट है आपकी पाई बाई टू लोअर लिमिट है जीरो उसे हटाओ ये यहाँ पे गया तो आई इज इक्वल टू कितना आया पाई बाई फोर इसे हटा दो यहाँ से ठीक है तो आई इज इक्वल टू कितना आया पाई बाई फोर मैम ये तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पाई बाई फोर आ रहा है आने दो ना क्या प्रॉब्लम है आने दो आने दो आंसर मोस्टली पाई बाई फोर भी आ जाता है इस इस, इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में ठीक so, है चलो सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ओके तो कितने आसानी से हमने प्रॉपर्टी को लगाया और इंटीग्रेशन कर दिया अदरवाइज हम पता नहीं इसके इंटीग्रेशन में क्या करते है ना तो प्रॉपर्टी लगाओ और बहुत जल्दी से इंटीग्रेशन करते चलो सो so, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मन में बोलो 0 से A fx dx 0 से ट्रिग्नोमेट्री है और इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हो तो गिवन इक्वेशन को फर्स्ट बोलो प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई जो इक्वेशन की उसे टू इक्वेशन बोलो वन में टू को एड कर दो ठीक है फिर कैंसल आउट हो जाएगा वन और फिर यहां लिखा है dx इसे करो इंटीग्रेट फिर तो आप पूरी कहानी जानते हो यहां तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती ठीक चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मजेदार है, है ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में बस सॉल्व करते चलो सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट इलेवन ही है आपकी एक्सरसाइज वन वन इसका थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन देखो देखो इस क्वेश्चन को आप नहीं देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से और बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के थ्रू ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को स्टडी करो ठीक है मैम क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे हैं और पता है मैम हम एक पैटर्न भी बना पा रहे हैं क्या कि जो भी इसके पास पावर है ना इधर थ्री बाई टू वो इसके पास भी है और इसके पास भी है यहां साइन एक्स था तो यहां साइनेक्स प्लस कॉजेक्स है अच्छा और लिमिट जीरो से पाई बाई टू जा रही है मैम और अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखोगी ना तो वहां भी सेम काम हुआ है लिमिट आपकी जीरो से पाई बाई टू गई है और अगर हम इस अंडर रूट को पावर के फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ पे भी हाफ पावर यहाँ पे भी हाफ पावर और यहाँ पे भी हाफ पावर थी तो इससे हम समझ गए कि अगर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इस टाइप का पैटर्न है दोनों की पावर्स जो भी है यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उन सबकी पावर्स अगर सेम है और इंटीग्रेशन हम जीरो से बाय बाई टू कर रहे हैं तो हम बड़े आराम से यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जो आपने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में यूज़ किया और आसानी से इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं यही मन में ख्याल आया क्या आपके हाँ इस क्वेश्चन को देख के अगर यही सब कुछ आपने सोचा है तो अभी के अभी, अभी अपने आप को वेरी गुड कह दो और अब इस क्वेश्चन पे अटैक करते हैं चलो आ जाओ तो क्वेश्चन क्या है आपका नाम दो इसको आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू ठीक लिख लो जरा क्वेश्चन साइन की पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन की पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस कॉस की पावर थ्री बाई टू एक्स डी एक्स इसे तो हम बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं सॉल्व है ना वो ही पैटर्न है वो ही लिमिट्स है वो ही अपनी प्रॉपर्टी है कौन सी वाली जीरो से ए A देते हैं खत्म कर दें साथ में ही इसका भी आंसर पाई बाई फोर ही आएगा ये तो आपके लिए होमवर्क है इसे आप ही सॉल्व करो इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करो मुझे लगता है इसका आंसर पाई बाई फोर ही आएगा मैंने सॉल्व नहीं किया आप बताना मैं सही कह रही हूं या नहीं ओके okay? गलत होगा तो ठीक है मैंने कौन सा सॉल्व किया है अब बता देना क्या इसका आंसर आ रहा है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसे टारगेट करो इस ही प्रॉपर्टी की आपको हेल्प लेनी है इक्वेशन वन इक्वेशन टू नाम दो ऐड करो हंड्रेड परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और जहां तक मुझे लगता है आंसर फाइव बाई फोर ही आएगा ठीक है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर को देखो आप लोग ये तो पूरा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू जैसा ही है क्या करना है यहाँ पे अगेन आपके पास जो लिमिट्स हैं दे आर फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू ठीक है और क्वेश्चन आप यहाँ पे अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो सब में लिमिट जीरो से पाई बाई टू था और जरा इसको ध्यान से देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखी है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखी है और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स की जो पावर है ना वो सेम है इन तीनों टर्म्स की पावर सेम है तो 100 परसेंट मैं श्योर हूं कि इस क्वेश्चन को भी हम खत्म कर देंगे किस प्रॉपर्टी के थ्रू यही वाली प्रॉपर्टी कौन सी देखो बता देते हैं अभी आपको, जीरो, से ए, है ना? जीरो से ए था जीरो से एफ एक्स डी एक्स क्या होता है जीरो से एफ एक्स डी एक्स होता है जीरो से ए याद कर लो प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक तो ये तो पूरे ही वैसे ही आपको चीजें नजर आ रही हैं जो हमने डिस्कस किया था डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से खत्म करके आगे चल देंगे लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को एक बार है ना चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन थ्री तो मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है क्वेश्चन फोर पे आ जाओ इसका नाम मैंने आई दिया वो तो देना ही पड़ेगा आई इज इक्वल टू आप लिखेंगे जीरो से पाई बाई टू और यहां आपको मिलेगा कॉस की पावर फाइव फाव एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर फाइव फाव एक्स प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स और आपको यहां लिखना है डी एक्स क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्म है, sure है कि इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री है तो इसे इक्वेशन वन नाम देने में क्या प्रॉब्लम है दे दो वैसे इक्वेशन वन नाम ठीक है अब क्या करें इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को लगाओ और खत्म करो चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी सो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू पाई बाई टू क्या है आपका यहाँ पे ए है तो लगाओ दिस इज कॉस फाइव एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे डिवाइडेड बाय साइन आपको ऊपर लिखना है फाइव और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप लोग पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस फाइव है लिखे रहने दो क्या प्रॉब्लम है एक्स की जगह पे क्या रखोगे पाई बाई टू माइनस एक्स क्योंकि पाई बाई टू किसका रोल परफॉर्म कर रहा है ए का उससे कंपेयर करोगे तो देखो ये जीरो है ऊपर क्या होता है ए और ए क्या है आपका पाई बाई टू तो इस प्रॉपर्टी को हमें लगाना है राइट right? अब मैं इसे हटा सकती हूँ आपकी तो कॉपी में लिखा रहेगा ये प्रॉपर्टी ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ना किस प्रॉपर्टी का आपने यूज किया है वो प्रॉपर्टी भी लिख दिया करो ये लिखा यूजिंग द प्रॉपर्टी जो मैंने वहां लिखी थी आप उसे यहाँ लिखना फिर इस प्रॉपर्टी को लगाना तो आपका आंसर आप थोड़ा अच्छा लगेगा ओके okay? अब क्या करें हम चलो प्रॉपर्टी लगाएं सो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू फिर यहाँ क्या मिलेगा वो ही कहानी कॉज नाइनटी माइनस थीटा कितना साइन थीटा थीटा मतलब एक्स ओके तो दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय मैम पावर फाइव हाँ हाँ बिल्कुल लगाएंगे पावर फाइव फिर इधर आ जाओ साइन 90 माइनस एक्स कितना कॉस एक्स पावर कितनी है फाइव वो भी लगा दो तो कॉस फाइव एक्स प्लस यहां पे क्या मिलेगा कॉस की पावर फाइव 90 माइनस एक्स तो ये मिलेगा आपको साइन एक्स पावर है फाइव तो उसे मत भूल जाना उसे भी लगा लो तो कॉस बदलेगा आपका साइन में पावर को, को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज लिख दो ये रहा एक्स ये रहा डी इसे दो इक्वेशन नंबर टू नाम ठीक वन एंड टू को करेंगे ऐड इस बार हम अलग अलग लिख के add नहीं कर रहे पता है दोनों की लिमिट सेम है तो एक ओवरऑल लिमिट बना दो और फिर उसे करके आप so one plus two, आप लिख दो जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आई प्लस आई टू आई ओके फिर जीरो से जाना है आपको पाई बाई टू दोनों की लिमिट सेम है जीरो से पाई बाई टू ही है तो हमने दोनों की लिमिट्स यहाँ पे बना के लिख दिया अब जरा दोनों के डिनोमिनेटर चेक करो आप साइन की पावर 5x एक्स प्लस कॉस की पावर 5x एक्स यहाँ डिनोमिनेटर चेक करो कॉस की पावर 5x एक्स प्लस साइन की पावर 5x a ए प्लस बी बोलू या b प्लस ए बोलू कोई परेशानी होती है क्या नहीं मैम तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं सेम है तो दोनों के न्यूमिनेटर हम ऐड कर सकते हैं तो जब आप इसे ऐड करके लिखेंगे तो दिस विल बी साइन फाइव एक्स प्लस और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो एक बार क्या आएगा ये साइन फाइव एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स और यहाँ लिखा आपने डी एक्स और ये क्या हो गया ये तो वही काम हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हुआ था न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पूरे सेम टू सेम है कैंसिल आउट कीजिए क्या मिलेगा वन तो so यहाँ यहीं पे कैंसिल कर दे क्या नहीं मैम नीचे लिखो चलो ठीक है सो दिस इज जीरो से पाई बाई टू इसे हमने कैंसिल किया आपको मिला वन सो दिस इज वन डॉट डी एक्स ठीक है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा एक्स और कहां से कहाँ जाना है आपको आपको जाना है जीरो से पाई बाई टू तक ओके तो कितना आ रहा है आंसर पहले अपर लिमिट रखो फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखो तो आई आपको मिल रहा है

पावर्स दोनों की सेम है ट्रिग्नोमेट्री है यही प्यारी से आपको आइडेंटिटी लगानी है कौन सी वाली जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स वाली क्या कहती है आपसे ये ये आपसे कहती है कि सुनो जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस तरीके से ओपन कर दिया जाता है ओके क्लियर है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल ट्राई कीजिए और उसका आंसर पाई बाई फोर दीजिए चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं और इस क्वेश्चन पे आप लगा लो स्टार क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंपॉर्टेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन टफ है ओके okay? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है अगर आप लोगों ने 7.11 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और आपने प्रॉपर्टीज को देखा है तभी आपको इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा राइट right? अब जब मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी जहां मैंने कहा था कि जब मॉड वाले आएंगे ना यस मैम लिख दो तब तक मैं यहां लिखती हूं so, एक प्रॉपर्टी होती है A से बी थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की जो कहती है कि लिमिट ना ब्रेक हो जाती है कैसे ब्रेक हो जाती है इस तरीके से A से C, Fx, Dx, right, C से से राइट प्लस ओके इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं अपने इंटीग्रल को मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था स्टार्टिंग में आपका जो क्वेश्चन था वो आपको इंटीग्रेट करना था ए से बी तक लेकिन हमने कहा कि सुनो ए से बी तक जाने में एक ऐसा पॉइंट हमें बीच रास्ते में मिलता है कहीं पे भी मिल सकता है एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है सी जहां पे फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया तो जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका बिहेवियर चेंज करता है तो उस पॉइंट पे हम अपने लिमिट को ब्रेक कर देते हैं ठीक है अब ये जो मॉड फंक्शन है आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो ये अपना बिहेवियर चेंज करता है है ना तो इसीलिए जब भी भी आप मॉड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तब आप याद रख लें कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आपका जो फंक्शन है वो अपना बिहेवियर बदल देगा

क्या करता है मॉट फंक्शन अभी हम मॉट फंक्शन की डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ लेंगे लेकिन उससे पहले आप यह समझ लो कि यह प्रॉपर्टी कब यूज करना है आपको जब भी आपको क्वेश्चन दिया है एस बी एफ एक्स एक्स, आप इसे दो लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हो और ये मोस्टली जिन क्वेश्चन में सॉल्व होता है वो है आपका मॉट फंक्शन ओके okay? तो ये ब्रेक हो जाएगा एसे बी एफ एक्स डीएक्स प्लस सी से बी एफ एक्स टोटल ए टू बी करना था लेकिन हम क्या कर रहे हैं ए से सी इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर सी से बी ऐसा क्यों क्योंकि फंक्शन आपका जो है वो बिहेवियर चेंज कर देता है ठीक है अब मैम बिहेवियर चेंज कर देगा मतलब क्या है ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही पहले से क्लियर करो चलो ठीक है वो क्लियर कैसे होगा जब आप मॉड की डेफिनेशन समझेंगे मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बहुत बार डिस्कस किया है मैंने मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है कैसे कि ये मॉड एक्स आपको प्लस एक्स देता है जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो है ना और यही मॉड एक्स आपको माइनस एक्स देता है जब आपका एक्स लेस देन जीरो हो तभी तो आपको ओवरऑल आंसर पॉजिटिव मिलता है सही बात है मॉड की ये डेफिनेशन जानते हो या नहीं जानते हो मॉड एक्स क्या है हम क्या बोलते हैं कि मॉड में कुछ भी डालो हमेशा आंसर आपको पॉजिटिव मिलता है ध्यान से सुनते चलना बहुत ईजी है मॉड फंक्शन क्या करता है आप नेगेटिव डाले उसमें आपको पॉजिटिव ही मिले तो ये जो है ना ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का कमाल है देखो मॉड फंक्शन क्या कहता है कि अगर आप एक्स या तो जीरो या जीरो से बड़ा लोगे ना तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा ठीक है और अगर आप x लेस देन जीरो लेते हो मतलब अगर आपने x की वैल्यू सपोज माइनस वन ले ली तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस लगा है x की जगह पे माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हर केस में आपको आंसर पॉजिटिव मिलता है तो इसीलिए आपको ना ये मॉड की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे क्या ये बात क्लियर है कि मॉड एक्स पॉजिटिव ही क्यों होता है मॉड एक्स पॉजिटिव अपने डेफिनेशन की वजह से होता है वो ये कहता है कि अगर आप x की वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी ले लो तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और अगर आपने x लेस देन जीरो लिया सपोज आपने x की वैल्यू माइनस वन ले ली तो जरा रखिए देखो यहाँ पे तो ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है इसीलिए आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो आंसर तो आपको हमेशा कैसा ही मिलता है पॉजिटिव मिलता है आई होप ये बातें क्लियर है ठीक है चलो इसके बाद जिन लोगों ने मेरे साथ डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो उन्हें वो बात तो बहुत अच्छे से याद होगी कि डिफरेंशिएशन करते वक्त भी हमने मॉड वाले फंक्शन देखे थे है ना तो मॉड वाले फंक्शंस आपके इंटीग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अब मैं आपसे सवाल करने वाली हूं कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ना एक्सप्ल टू ये जो क्वेश्चन एक्सप्ल टू दिया है इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैम जैसे आपने यहाँ पे मॉड एक्स की हमें डेफिनेशन लिख के बताई है आप हम एक बार मॉड एक्स प्लस टू की भी डेफिनेशन बता दो कि ये एक्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कब होगा ठीक है थोड़ा यहां से लिखते हैं अपन राइट आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे हो मॉड एक्स प्लस टू की डेफिनेशन पूछ रहे हो कि मॉड एक्स प्लस टू की डेफिनेशन मैम इस तरीके से हमें लिख के बता दो तो हम जरा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ठीक है जी सो मॉड एक्स प्लस टू ये भी दो टाइप का नेचर शो करता है ये कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी ये नेगेटिव होता है ठीक है इस तरीके से देखो मॉड तो ऐसे ही टूटता है अगर आप मॉड हटाएंगे तो ऐसा ही आपको आउटकम मिलेगा यहां से अगर हमने मॉड हटाया तो या तो x प्लस टू मिलेगा या तो माइनस एक्स प्लस टू मिलेगा अब आपको बताना है कब मिलेगा ऐसा तो सुनो यहां पे जब आपका मॉड फंक्शन में लिखा हुआ टर्म राइट right? अगर ये आपका एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब ये आपको पॉजिटिव मिलेगा और अगर x प्लस टू लेस देन जीरो है तब ये नेगेटिव मिलेगा और अच्छे से लिखें इसको हम तो इसे यहां ले जाओ तो अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है ठीक है देखो ना ये यहां जाएगा तो यही तो मिलेगा अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे रहने वाली है और अगर आपका x लेस देन माइनस टू है तब आपकी फंक्शन की डेफिनेशन ये रहने वाली है बताओ ये बातें किस किस को क्लियर है क्या इसमें कोई परेशानी है क्या ये बात समझ पा रहे हो अच्छे से एक बार मैं फिर से लिख दूंगी लेकिन एक हल्की हल्की हिंट आई होप अगर थर्टी परसेंट भी ये क्लियर हो गया है तो आप रेडी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो ठीक है चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने समझ लिया ना कि इसमें बहुत कुछ होने वाला है ठीक है मैंने आपको एक पूरा रॉ डेटा दे दिया है कि क्या क्या आपको करना है कैसे करना है क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कितना सोचना है कहाँ जाना है तो ये सारी चीजें आपके सामने है अब इस क्वेश्चन को जब आप सुनोगे ना तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा आप चीजों को ढंग से समझ पाओगे ठीक है तो आ जाओ सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो हमें खुद ही पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आई होप आपने अपने बुक में इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क भी कर लिया होगा अब सबसे पहले क्या किया जाएगा हम क्वेश्चन को देख के समझ गए हैं कि क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे इसकी शुरुआत हम आई से करेंगे सो आई इज इक्वल टू माइनस फाइव से फाइव ओके मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स हमेशा याद रखना मॉड वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो थर्ड प्रॉपर्टी यूज होती है जो मैंने अभी आपके लिए लिखा था यहां पे हो सकता है आपका मन बीच में कहने लगे कि मैम ये तो माइनस ए टू ए जा रहा है माइनस ए टू ए जब कोई फंक्शन जाता है तो उसकी भी प्रॉपर्टी होती है उसे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो आप तो उससे सॉल्व नहीं करेंगे हम मॉड फंक्शन वाले क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे ठीक है है वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती क्योंकि क्योंकि आपका मॉड फंक्शन एक ही बिहेवियर के साथ नहीं चल रहा वो एक ऐसा पॉइंट जब उसके रास्ते पे आता है तब वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है इसीलिए आप लोग प्रॉपर्टी नंबर थ्री का यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है आई होप ये बातें क्लियर है अब अब आप लोगों ने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे अब देखो किसी के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि मैम हम इतना क्यों सोचे इस क्वेश्चन में क्या हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते लाइक ए टू बी जो हमें लिमिट दी है क्या हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते ये सवाल भी आ सकता है आपके दिमाग में तो सुनो फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या आपके पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या मैंने आपको जो फॉर्मूले की लिस्ट दी है उस फॉर्मुले में मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ मॉड दिया है क्या क्या आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल फंक्शन जानते हो नहीं जानते आप या तो x की पावर जानते हो या फिर आप ई टू पावर इस टाइप के फॉर्मुले जानते हो आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ मॉड फंक्शन का कोई डायरेक्ट फॉर्मले के साथ तो आए नहीं हो राइट तो आपको इस फंक्शन को ब्रेक करना होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना होगा ठीक है चलो आई होप ये सारी बातें क्लियर है अब अब हम लोग मॉड को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मॉड की डेफिनेशन क्या है ये मॉड की डेफिनेशन ना आपको समझ नहीं पड़ेगी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो बहुत इजी डेफिनेशन है ठीक हम जानते हैं जो हमने बचपन वाला पढ़ा था बचपन वाला मौड था एक्स एक्स और ये एक्स कैसे ओपन होता है मैम ये ऐसे ओपन होता है मॉड एक्स आपको प्लस एक्स आंसर देगा मॉड एक्स आपको माइनस एक्स आंसर देगा लेकिन कब प्लस एक्स आंसर कब देगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो कौन x और नेगेटिव x कब आंसर देगा जब आपका x लेस देन जीरो हो ठीक है तो इसी डेफिनेशन का यूज हमने अपने इस क्वेश्चन में किया क्वेश्चन में मॉड प्लस टू आपका पॉजिटिव प्लस टू बन के ब्रेक होगा कब जब आपका ये पॉजिटिव x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो है थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इस -2 को वहां ले जाओ जब आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 है तब ये आपको पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा मोड x 2 आपको ऐसे नेगेटिव फंक्शन मिलेगा जब आपका x लेस देन -2 है क्या ये डेफिनेशन समझने में कोई परेशानी कोई परेशानी इसमें दो बार समझाया है इसको मैंने ठीक है आई होप ये ठीक है क्वेश्चन क्लियर है ओके चलो अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पे अपने इस इंटीग्रेंड को इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे कहां कहां पे ब्रेक करेंगे प्रॉपर्टी क्या है आपके पास प्रॉपर्टी है आपके पास कि जब आप A से B, को इंटीग्रेट करते हो और आपका सामना मॉड से हो जाए तब आप उसे उस पॉइंट पे ब्रेक करते हो जहां पे वो अपना नेचर बदल रहा है तो यहां पे वो कौन सा पॉइंट है जहां पे मॉड फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है आप कहेंगे माइनस टू क्योंकि मैम जब माइनस टू तक है या फिर ग्रेटर देन माइनस टू है तब ये पॉजिटिव है और जब ये लेस माइनस टू आ रहा है तब ये नेगेटिव है तो माइनस टू हम कह सकते हैं कि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए जहां पे आपका मॉड फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है ठीक है क्लियर है ये बात तो ये जो पॉइंट सी अपने लिए होगा वो कौन होगा इस केस में माइनस टू होगा ओके सो ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स Dx. इस तरीके से आप अपने फंक्शन को ब्रेक कर देंगे ठीक है अब मैं ब्रेक कर रही हूं ध्यान से सुनते चलना आप लोग सो आई इज इक्वल टू ये ए है ये बी है आपका ओके सो माइनस फाइव से लेके माइनस टू तक अगर हम जाते हैं देख लो माइनस फाइव से माइनस टू मतलब क्या सब लेस देन वाले केस में आ रहे हैं एक्स लेस देन है माइनस टू तो इस केस में इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है इस केस में इस फंक्शन की डेफिनेशन है ये ओके okay, ठीक है इसके बाद जब हम माइनस टू से लेके अपर लिमिट क्या पांच माइनस टू से पांच तक जा रहे हैं मतलब एक्स हमारा बड़ा आ रहा है माइनस टू से तो उस केस में देखो माइनस टू से बड़ा है ये सारे नंबर्स जितने भी ऊपर आएंगे माइनस टू से फाइव के बीच में सब बड़े होंगे माइनस टू से तो जब आपका एक्स ग्रेटर देन ग्रेट टू आता है तब आपका फंक्शन कैसा हो जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव तो इस बार आप की डेफिनेशन क्या लेंगे पे एंड खत्म कहानी देखो बस इतना ही समझना था आपको फिर इंटीग्रेशन में तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे क्या ये बातें क्लियर है इसके बाद एक और क्वेश्चन है मॉड वाला मैं वो भी समझाऊंगी तब तक आप इसको क्लियर कर लो क्या ये बात समझ में आ रही है कि माइनस फाइव से माइनस टू तक जब हम जाते हैं मतलब यहां क्या हो रहा है एक्स आपका छोटा है माइनस टू से लिमिट समझो आप तो इस केस में फंक्शन नेगेटिव से ओपन होगा जब आप माइनस टू से फाइव की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब एक्स आपका बड़ा है माइनस टू से तब आपका मॉट फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन की तरह ब्रेक हो रहा है सो आई होप ये पूरी लाइन क्लियर है और ये डेफिनेशन समझाने का एक तरीका था कि आपको समझ में आ जाए कि मॉट फंक्शन किस तरीके से ब्रेक होता है ठीक है चलो अब हम किससे बात करेंगे अब बात आती है इस क्वेश्चन को ना इंटीग्रेट करने की अब इंटीग्रेशन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है करते हैं अपन इसको इंटीग्रेट सो इज इक्वल टू इस माइनस को मैं बाहर ही रख देती हूँ ठीक है पहले इसे इंटीग्रेट करें एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू तो ये मिलेगा आप लोगों को एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू का इंटीग्रेशन टू एक्स लिमिट कहां से कहां तक है लिमिट है माइनस फाइव से माइनस टू तक ओके okay? इसके बाद प्लस इंटीग्रेट करो एक्स प्लस टू को एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट है तो टू एक्स लिमिट कहां से कहां तक है लिमिट इसमें माइनस टू से फाइव तक है ओके okay? और ये चीज आप याद रखना हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है तो आप अपने पेपर में लिखेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और पूरी प्रॉपर्टी लिख देना ठीक है अब इसे इंटीग्रेट कर दिया हमने इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? बेसिक इंटीग्रेशन आई होप आपको एकदम क्लियर है ये चीज अब आपको लिमिट रखनी है तो यहां पर अपर लिमिट क्या है माइनस पहले इसमें सारे में हम अपर लिमिट रखेंगे और उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे ओके सो आ जाओ अपर लिमिट अपर लिमिट क्या है माइनस टू क्योंकि वो ऊपर लिखी है राइट सो अपर लिमिट रखो यहां पे दिस विल बी परिमिट रखी है एक्स की जगह पर माइनस टू बाई टू प्लस टू इंटू माइनस टू सिर्फ अपर लिमिट रखा अब क्या बीच में आएगा माइनस अपर लिमिट माइनस ब्रैकेट ओपन करो लोअर लिमिट माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव बाई टू ठीक फिर यहां पे रखो प्लस फिर क्या लिखा है टू इंटू माइनस फाइव है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू फाइव जा माइनस टेन तो यहां पे हमें क्या मिला हमें मिला माइनस टेन और हमने ब्रैकेट को कर दिया बंद ये बातें क्लियर है अपर लिमिट पहले रखो बीच में माइनस और फिर इस लोअर लिमिट को रखा है ओके okay? अब उस वाले फंक्शन पे आ जाओ सो so, प्लस उस वाले फंक्शन के लिए अपर लिमिट क्या लिखी है हमने 5 लिखी है तो आ जाओ अपर लिमिट फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई टू अभी भी अपर लिमिट क्योंकि एक और एक्स है तो टू फाइव टेन काम खत्म अपर लिमिट खत्म हो चुका है अब बीच में बनाएंगे माइनस फिर लिखेंगे लोअर लिमिट ब्रैकेट भी बना लो लोअर लिमिट क्या है माइनस टू रखो यहां पे माइनस टू का स्क्वायर चार तो दिस विल बी फोर बाई टू ओके उसके बाद प्लस टू और एक्स की जगह पे माइनस टू और ये किया हमने ब्रैकेट बंद टू इंटू माइनस टू कितना माइनस फोर तो यहां पे आपको मिला माइनस चार ओके अब सिंप्लीफाई जल्दी से कर लो और आंसर आपके सामने है मैंने कहा ना पूरे चैप्टर में मैंने एक ही चीज आप लोगों को कही है क्या कि इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है जो सिंप्लीफिकेशन करना होता है ना बस वहां आपको सोचना है वहां आपका बेसिक काम आता है it, है ना चलो अब क्या टू वन जू टू, टू, टू जो ये क्या बना टू टू माइनस फोर कितना बना माइनस टू ओके फिर ये माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू और ये प्लस टेन बन जाएगा यहां से जब मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगी राइट माइनस टू प्लस टेन प्लस एट तो यहां पे हमें क्या मिला यहां पे हमें मिला प्लस एट सो एट माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू अब यहां आ जाओ आप लोग दिस विल बी टू वन जो टू जा फोर एंड टू माइनस फोर माइनस टू माइनस टू माइनस प्लस टू तो यहाँ पे जब पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपको मिला प्लस टू एंड टेन प्लस टू कितना होता है ट्वेल्व ओके तो ये कितना मिल गया ट्वेल्व ठीक अब इसके साथ एक और चीज जरा ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस के साइन को बहुत भूल जाना वरना आंसर गलत आ जाएगा ठीक है यहां जो ये माइनस का साइन है ये पहले वाले ब्रैकेट के लिए है सो आप ये माइनस का साइन यहां बना लो इस वाले ब्रैकेट के लिए अब जरा इस माइनस को भी ओपन करो फिर हम फाइनल सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे राइट सो ये माइनस एट हो जाएगा है ना माइनस से और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो so, टोटल जो एक्सप्रेशन हमारे सामने बाई टू so, को जब आप एड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा सो ट्वेंटी फाइव और लिख लेते हैं अपन ट्वेंटी फाइव और उसके बाद माइनस एट प्लस ट्वेल्व तो माइनस एट प्लस ट्वेल्व कितना मिलेगा प्लस चार तो टोटल आंसर कितना मिल रहा है ट्वेंटी नाइन ठीक है ये था इस क्वेश्चन का आंसर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना ये माइनस का साइन हो सकता था आप इग्नोर कर देते तो फिर आपका आंसर कुछ और ही आ जाता तो ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं तो आप उसको जरा ध्यान रखना इन चीजों को याद रखो मॉट फंक्शन कैसे ब्रेक होता है बस इतना याद रख लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बहुत ईजी था ओके okay? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो राइट right, चलो अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नंबर पे आ जाओ क्वेश्चन भी आपका वाला फंक्शन है जैसे ही आपको मॉड के क्वेश्चन आपको बस एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कौन सी प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये कैसे ब्रेक होता है ये ब्रेक होता है आपका ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स ओके और ये सी वो पॉइंट होता है जहां पे आपका गिवन फंक्शन अपने नेचर को बदल देता है राइट right? चलो अब बहुत जल्दी देखते हैं अपन सिर्फ मॉड एक्स माइनस फाइव तो जरा इसके डेफिनेशन को पहले ओपन करते हैं क्योंकि हमने कहीं पे भी मॉड का इंटीग्रेशन तो नहीं सीखा तो आपको पहले से फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा सो मॉड एक्स माइनस फाइव कैसे ब्रेक करोगे आप देखो एक टाइम पे आपको मॉड एक्स माइनस फाइव पॉजिटिव की तरह ओपन मिलेगा और एक टाइम पे आपको ये negative की तरह ओपन मिलेगा आपको पता करना है कि ये ये की की तरह open होगा। ये positive की तरह कब होगा होगा तब जब आपका x -5 greater than equal to 0 हो मतलब जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है तो आपका ये मॉड एक्स माइनस फाइव कैसे ओपन होगा पॉजिटिव एक्स माइनस फाइव और जब आपका x लेस देन 5 होगा तब डेफिनेटली ये नेगेटिव की तरह ओपन होगा जब एक अपन ने फाइंड कर लिया तो दूसरा वाला तो ऑफकोर्स उसका रिवर्स ही होगा ठीक है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तब वो पॉजिटिव की तरह ओपन होगा पॉजिटिव वाला मिल गया ग्रेटर पे तो नेगेटिव कब होगा जब वो लेस देन होगा ठीक है चले आगे ट्राई करके देखें अपने क्वेश्चन को आ जाओ सो so, सो so, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो सबसे पहले तो i नाम दे क्वल टू टू से एट मॉड x माइनस फाइव और ये रहा आपका dx। ठीक है चलो अब हम डेफिनेशन को समझ चुके हैं कि ग्रेटर की तरह ओपन होता है ओके तो दो जगह आप इंटीग्रल बना लो यहां पे हम जाएंगे दो से पांच के बीच में क्योंकि तो पांच इसका ब्रेकिंग पॉइंट है दो से पांच तक गए यहां पे ठीक है और यहां पे हम जाएंगे पांच से एट तक तो फाइव से एट तक क्योंकि आपको देखो सी जो है वो पॉइंट आपको ए एंड बी के बीच में ही मिल रहा है तो ए ये था बी ये था तो ये सी क्या हो गया आपका फाइव क्योंकि फाइव पे ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक को बदल रहा है ठीक अब देखो एक्स जब पांच से छोटा है एक्स जब पांच से छोटा है तब ये नेगेटिव के साइन के साथ आएगा तो दो से पांच में आपका ये क्या है एक्स से छोटा ही है क्योंकि इसमें तीन आ रहा है चार आ रहा है तो देखो तो so, पांच से बड़ा है, तो देखो, से बड़ा, 5 8 जा रहा है ग्रेटर है ना ये तो इस केस में मॉड की डेफिनेशन क्या लोग मॉड की डेफिनेशन आप लोग एक्स माइनस फाइव लेंगे

अब क्या करना है इसमें अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर तक पहुंचना है तो ये चीजें मैंने आपको बता दी ब्रेक कैसे करते हैं आई होप आपको ये क्लियर हो गया है अगर क्लियर हो गया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम वाले फंक्शन हमारे डन है क्लियर है ठीक है चलो अब इसका जो भी आंसर आएगा आप इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि अब तो बेसिक सा इंटीग्रेशन है तो इसका सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क है जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देना ये ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन इजी सा क्वेश्चन है कुछ भी डिफिकल्टी इसमें भी नहीं है देख लो क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप इंटीग्रेट कीजिए जीरो से वन एक्स वन माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स को इसे आपको करना है इंटीग्रेट यूजिंग प्रॉपर्टीज तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें मैम यहाँ पे देखो जीरो से ए जीरो से वन जा रहा है ठीक है क्वेश्चन आपका जीरो से कहा जा रहा है वन जा रहा है तो जब कुछ भी समझ ना आए तो किसके पास जाओ आप इस प्रॉपर्टी के पास जाओ जीरो से एफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा लिखा होता है तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लगाते हैं प्रॉपर्टी जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी को हम लगा देते हैं फिर आप कहोगे मैम अभी दो तीन क्वेश्चन पहले आपने कहा था कि मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री हो या जीरो से पाई बाई टू सी वो पहचानने के तरीके हैं ऐसा कोई रूल नहीं है जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे ना आपको खुद ही समझ में आएगा और जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार इस प्रॉपर्टी के पास जरूर जाओ आंसर मिल जाता है ठीक है सो so, प्रॉपर्टी क्या कहती है जीरो से एफ एक्स डी एक्स कैसे ओपन होती है ये जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स तो आप एक पैटर्न समझ सकते हो कि कभी अगर आपके पास x है और यहां पे a- माइनस एक्स लिखा है ओके और उसे आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से a के बीच में ओके जीरो से a के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है अपने क्वेश्चन को यहां लिखती हूं मैं जीरो से ए के बीच में इंटीग्रेट करना है यहाँ एक्स लिखा है यहाँ ए माइनस एक्स की पावर कुछ लिखा है तो इस केस में भी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है आप जिस भी कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हो उस कॉपी में ये चीजें ऐसा हिंट आप लिखते चलो क्योंकि जब लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे ना तो अपने उस कॉपी को ही देख लेना आपको सारे अपने हिंट मिल जाएंगे कि अच्छा जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे स्टार्ट करना है ठीक है क्लियर है तो कैसा क्वेश्चन दिखे आपको जीरो से एक्स ए माइनस एक्स की पावर एन तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इस प्रॉपर्टी को लगाओगे क्वेश्चन को खत्म कर दोगे ठीक है चलो आ जाओ सो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन दो तीन चार और पांच को याद करो उन क्वेश्चंस में क्या था ट्रिग्नोमेट्री था और मैंने आपको उन को वक्त एक चीज कही थी क्या ट्रिग्नोमेट्री है बहुत अच्छी बात है और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को लगाते हो तो गिवन इंटीग्रल को इक्वेशन वन और प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसे इक्वेशन टू कहते थे और फिर आप वन प्लस टू सॉल्व करके अपने आंसर को ले आते थे लेकिन जब आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है और आप इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हो तो आपको इक्वेशन वन इक्वेशन टू को करने की कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन टू आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ना वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन के थ्रू समझो कि मैंने क्या क्या बोल दिया देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है क्या नहीं है मैम बहुत अच्छी बात है प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं अगर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाला होता तो मैं यहां पर इक्वेशन वन नाम दे देती ठीक है लेकिन यहां पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो बिना इसे इक्वेशन वन नाम दिए मैं अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकती हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है चलो ओके अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है दूसरी चीज क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकती थी क्या मैम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोला है चलो ठीक है प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोला है लेकिन स्टिल आप जरा मुझे बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल था नहीं था राइट कैसे इंटीग्रेट करते कुछ सब्सिट्यूट करते लेकिन वहां हम नहीं जा रहे ओके तो एक काम करो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है चलो प्रॉपर्टी को लगाते हैं प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे प्रॉपर्टी ये कहती है कि जीरो से वन ओके आपके फंक्शन में जहां जहां एक्स लिखा है उस एक्स को रिप्लेस करो ए माइनस एक्स से ए क्या है अपर लिमिट है ठीक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहां जहां आपके क्वेश्चन में एक्स लिखा है उस एक्स को आप रिप्लेस कीजिए ए माइनस एक्स से तो आपका ए क्या है यहां पे वन ओके okay? तो इधर इस एक्स की जगह पे हमने एक्स को ही हटा दिया इस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे one minus X. तो यहां पे मैंने रखा वन माइनस एक्स फिर वन माइनस इस एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे वन माइनस एक्स रखना है सो दिस इज वन माइनस एक्स और यहां पे लगाओ पावर एन और यहां लिखो डी एक्स ये गलतियां होती है जिसपे मैं बहुत स्ट्रेस दे रही हूं ना कि जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां पे आपको ए माइनस एक्स लगाना है ऐसी गलतियां होती हैं क्योंकि आप ना एक जगह पे लगा के खुश हो जाते हो फिर दूसरे एक्स पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगाते ऐसी गलतियां होती हैं तो उनको ही अवॉइड करने के लिए अभी मैं इस चीज को बार बार स्ट्रेस दे के बोल रही हूँ कि सुन लो ध्यान से कि आपके इस क्वेश्चन में जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है दैट्स इट सो एक्स

जीरो से वन ये क्या बना है आपका वन माइनस एक्स ओके जी इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा वन माइनस वन एंड माइनस माइनस क्या प्लस राइट right? क्योंकि ये पूरे की पावर एन है राइट right? सो so, देखो यहीं पे देख लो आप लोग इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे वन माइनस वन प्लस एक्स और इस पूरे की पावर एन वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो वन से वन चला गया क्या बचा आपके पास एक्स की पावर एन तो उस ब्रैकेट में हमें क्या मिला x की पावर n dx ये बातें क्लियर है प्रॉपर्टी लगा दी आपने अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर जब आप लोगों ने ध्यान दिया हो क्वेश्चन नंबर चार पांच पे या तीन पे तो उसमें हम क्या कर रहे थे जब इस प्रॉपर्टी को लगा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे जब इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था तो गिवन इंटीग्रल को हमने इक्वेशन वन नाम दिया था और जो आंसर आया था प्रॉपर्टी लगा के उसे इक्वेशन नंबर टू नाम दिया था फिर इन दोनों को ऐड किया था और उसके बाद हम इंटीग्रेट करके आंसर बता पाए थे लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है यहां पे आपको इसे इक्वेशन टू नाम देने की जरूरत नहीं है पूछो क्यों क्योंकि इसमें जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें डायरेक्ट एक ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट right. इसे इंटीग्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते देखो प्रॉपर्टी तो लगा दी आपने प्रॉपर्टी का काम खत्म इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन मिली है क्या आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते मैम बिल्कुल कर सकते हैं अब आप हमसे कहोगे कि ब्रैकेट को ओपन करो इंटीग्रेट करो क्वेश्चन खत्म करो तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया देखो ये ना एज सच आपको रूल्स लिखे नहीं मिलेंगे बुक में कि ऐसा होगा तब ऐसा करना ये आपका ऑब्जर्वेशन है जब आप अपने को ये भी होता है, कि कहीं कहीं एक प्रॉपर्टी लगा के हम दो इक्वेशन को एड करते थे मैम फिर सोल्व करते थे अब हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है लेकिन इक्वेशन को हमने एड नहीं किया तो ये सब हमें समझ कैसे आएगा तो ये सब आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है एड करने की प्रॉपर्टी लग गई एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने है जिससे आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हो तो क्यों तो इसे ऐड करके कॉम्प्लेक्स बनाओगे ठीक है तो इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ऐड नहीं करेंगे एक्सप्रेशन मिलेगा डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हो ठीक है चलो अब क्या करें ब्रैकेट ओपन करते हैं सो आई इज इक्वल टू जीरो से वन इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे तो ये पावर एन माइनस वेरी गुड अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया है बहुत ज्यादा खुश हो कि यह हमें सोच लेना कि इंटीग्रेट हो चुका है ये तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है अब इंटीग्रेट करेंगे क्या आप एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जानते हैं यस मैम क्यों नहीं जानते डायरेक्ट फॉर्मुला है ओके okay. और एक्स की पावर एन प्लस वन मैम उसी का फॉर्मूला है बस आगे प्लस वन करना है ठीक है कौन सा फॉर्मूला एक बार लिख देती हूं एक बार लिख देती हूँ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन तो इसी फॉर्मूले का यूज यहां करना है और इंटीग्रेट करके लिमिट्स को डालना है ठीक है चलो आ जाओ सो I is equal to x की पावर n का इंटीग्रेशन जल्दी बोलो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन ठीक बीच में माइनस है तो लगा दो तो यहां पे भी वही काम ये पूरा n समझो इसमें प्लस वन करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुला ये आपका एन था तब यहां एन प्लस वन अब यहां एन प्लस वन है तो हम क्या करें प्लस वन आगे एक्स्ट्रा लगाएंगे और क्या करेंगे अपन ठीक है जो भी पावर होती है बस एक से बढ़ा देते हैं यहाँ पावर क्या है एन प्लस वन आप एक से बढ़ाओगे तो ये एन प्लस टू हो जाएगा तो आपको यहां क्या मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस टू और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है लिमिट आपकी जीरो से वन तक है क्या ये बातें क्लियर है क्लियर है ये बातें लिमिट रख दें अपन लिमिट कहा रखना है एक्स की जगह पे रखना है कभी कभी मन करेगा कि एन की जगह पे रख दो कि गलतियां बता मैं आप लोगों को ठीक है है लिमिट कहां रखना है? X की जगह पे रखना है क्यों क्योंकि की ही तो लिमिट है राइट right, चलो अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसमें रखते हैं अपन लिमिट्स सो हमारे पास जो आया है एक्सप्रेशन वो क्या था आई इज इक्वल टू एक्स टू दावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू एन लिमिट वाज़ फ्रॉम जीरो टू वन सही हूं क्या मैं जी हाँ अब बारी है अपर लिमिट रखने की तो एक्स की जगह पे पहले हम हर जगह वन रख देंगे फिर माइनस करेंगे और फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे दैट इज जीरो सो रखो वन तो वन की पावर कितनी भी कुछ बड़ी क्यों ना रहे वो तो वन ही होता है सो so, वन की पावर एन प्लस वन मतलब वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू ये माइनस क्यों अभी मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ अपर लिमिट रखी है फिर मैं बीच में माइनस बनाऊंगी फिर मैं ब्रैकेट बनाऊंगी और फिर मैं लोअर लिमिट रखूंगी और लोअर लिमिट क्या है जीरो तो यहाँ पे कुछ भी कर लो जीरो ही आना है तो इसीलिए हम लोअर लिमिट को रख के नहीं दिखा रहे क्योंकि आप यहाँ जीरो रखोगे यहाँ जीरो रखोगे जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो ही होता है जीरो डिवाइड बाय कुछ भी हो जीरो ही होता है तो इसीलिए हम इतने में ही खुश हो जाएंगे हमारा आंसर इतने में ही खत्म हो जाएगा अब क्या करो आप? आपने लिमिट रख लिया आपने इंटीग्रेट कर लिया आपने प्रॉपर्टीज लगा ली अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो और एक अच्छा खासा आंसर दे दो ठीक है चलो आ जाओ तो क्या करेंगे एलसीएम ले, ले लेंगे मैम एलसीएम ले लो सो दिस विल बी एन प्लस वन दिस विल बी एन प्लस टू ये जाएगा यहां पे तो ये बना आपका एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन ठीक ब्रैकेट ओपन करो ब्रैकेट ओपन करो क्या बनेगा ये एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एन प्लस टू देखो कुछ जा रहा है क्या हाँ बिल्कुल जा रहा है एन से एन जा रहा है टू माइनस वन वन होता है तो आपको जो मैम आंसर मिल रहा है दैट इज वन अपॉन एन प्लस वन एंड एन प्लस टू काम खत्म, ठीक है क्या प्रॉपर्टीज कुछ कुछ क्लियर हो रही है हो रही है क्या क्लियर बताओ सब ठीक है क्लियर है क्वेश्चन ओके सो हमने देख लिया अच्छा खासा क्वेश्चन था ये आने लायक क्वेश्चन भी है ये एग्जाम में इस क्वेश्चन पे भी, भी आप स्टार लगा ले हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया

डन विद दिस क्वेश्चन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? ये पूरी एक्सरसाइज आपकी महा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ लो ठीक जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है और मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखे आपको लॉग दिखे और अगर आपको कुछ भी समझना आए कि आगे कैसे चलना है तो किस प्रॉपर्टी को आप बुलाएंगे आप बुलाएंगे अपनी इस प्रॉपर्टी को जीरो से ए क्या नाम है इसका एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी को आप बुला लेंगे ठीक चलो बुला लेते हैं आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे है ना ठीक है मैम सो so, आप इसे नाम देंगे I इज इक्वल टू क्या जीरो से पाई बाय फोर यहां लिखेंगे लॉग यहां लिखा वन प्लस टेन एक्स अभी कुछ नहीं किया सिर्फ क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है ओके अब मैं उस प्रॉपर्टी को लगाने जा रही हूं यहां पे ठीक है चलो लगा देते हैं सो आई इज से लॉग वन प्लस टेन ये प्लस है और वो टेन का टी बनाया है मैंने ठीक है वन दिस इज टी ठीक वन प्लस टेन और x को किससे रिप्लेस करना है x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से आपका a क्या है यहाँ पे आपका a पाई बाई फोर है तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या पाई बाई फोर माइनस एक्स सब ठीक है ब्रैकेट बंद करो दिस इज डी एक्स मैम इससे क्या हुआ वो तो पाई बाई फोर है ठीक है सोचते हैं क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ ना ऐसा अपन को लग रहा है चलो ठीक है अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन मुझे तो एक ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है यहाँ पे फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नजर आ रही है क्यों ना उस आइडेंटिटी को लगा लें अपन शायद कुछ हो जाए कौन सी देखो ये वाली टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस बी होता है आपका टेन ए ए माइनस टेन बी राइट डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी याद है क्या ठीक है मैम याद है कर लेंगे नहीं है याद तो ठीक है टेन ए माइनस बी क्या है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी ठीक ये क्वेश्चन आया ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन आई जब आपने फाइव बाई फोर माइनस एक्स किया फिर हमें कुछ भी नजर नहीं आया कि इससे क्या ही हुआ तो कोई बात नहीं हमारे पास स्टिल आगे चलने के लिए एक स्टेप है और वो स्टेप क्या कहती है कि यहां पे टेन ए माइनस टेन भी लगा लो फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे ठीक चलो आ जाओ सो आई इज इक्वल टू कहां से कहा जीरो से पाई बाई फोर दिस इज log ठीक है वन प्लस अब देखते चलना टेन ए माइनस भी लगा रही हूं टेन ए टेन पाई बाई फोर वन तो टेन ए जैसे बोलूं आप समझ जाना कि वन लिखने वाले क्योंकि होता आपका टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन ए मतलब वन इन टू टेन बी और टेन बी मतलब टेन एक्स ठीक है मैम इससे क्या मिला आपको ठीक है अभी हमारे पास एक और स्टेप है आगे बढ़ने की क्या एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम ले ले लेते हैं देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता चलो ठीक है चलते है, चलते हैं सो आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर आपको मिला लॉग ठीक है एलसीएम लिया तो ये ऊपर आया वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखा है वन प्लस टेन एक्स और यहां पे आपका dx है ठीक है नहीं दिखा लेकिन देखने की कोशिश करो dx लिखा है मैंने ओके, अब, अब क्या हो रहा है? टेनेक्स से टेनेक्स जा रहा है? है, से जा अच्छी बात है प्लस वन, टू हो रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें पता है क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर लॉग अब देखना ध्यान से टेन एक्स माइनस टेन एक्स चला गया वन प्लस वन टू तो आपको मिला यहां पे लॉग लॉग टू डिवाइडेड बाय क्या लिखा था वन प्लस टेन एक्स है ना ऐसा कुछ मिला हा मैम आपने मतलब आगे चल चल के अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई आप करते जा रहे हो अब क्या होगा ठीक है ये चला गया वन प्लस वन टू हो गया वहां डीएक्स लिखा है अब पता है मुझे एक लॉग की प्रॉपर्टी नजर आ रही है कौन सी बताओ जरा मुझे नजर आ रहा है log m minus log n नजर आ रहा है क्या कहां है मैम अरे ठीक है अब देखो अब नजर आएगा मुझे log m upon n नजर आ रहा है log m upon n क्या होता है वो वो होता है log m minus log n तो एक बार चलो उस प्रॉपर्टी को भी लगा के देख लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या है इंटीग्रेशन चैप्टर में हमें बस स्टार्ट करना आना चाहिए फिर आपको पता है अपने आप ही कोई ना कोई स्टेप मिलती जाएगी और आप एंड तक पहुंच ही जाओगे ठीक मैंने बस इस क्वेश्चन में स्टार्ट को पकड़ा था कि स्टार्ट कैसे करूं अपने क्वेश्चन को एक बार अगर स्टार्टिंग समझ गए तो देखो ये सारी स्टेप अपने मन से ही आती जा रही है आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा ओके चलो ठीक है देखते हैं तो हम आंसर तक पहुंचेंगे बिल्कुल पहुंचेंगे आ जाओ जरा सो आई इज इक्वल टू जीरो से पाइव बाई फोर लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन दिस इज वन प्लस टेन एक्स और यहां लिखा हमने dx अब क्या करें दिस इज लॉग वन प्लस टेन एक्स ये रहा आपका लॉग टू अब क्या कर सकते हैं अपन सोचो लॉग वन लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स एक मिनट जरा क्वेश्चन पे आना क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन क्या था आपका जीरो से पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स और इसे जीरो से पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स को आपने क्या नाम दिया है आई नाम दिया है तो देखो अपने आप आपको स्टेप मिली नहीं दिखी अब दिखेगी देखना यहां ब्रैकेट बना लो यहां ब्रैकेट बना लो दो टर्म्स है इंटीग्रल के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये बनेगा जीरो से पाई बाई फोर लॉग टू डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाय फोर ओके दिस इज लॉग वन प्लस टेन एक्स और फिर आपने लिखा डी एक्स राइट और जीरो से पाई बाय फोर ये इंटीग्रल का साइन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ठीक है यहां पे कोई परेशानी नहीं है ओके okay जी जीरो से पाई बाय फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स आ जाओ अपने क्वेश्चन पे जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स क्या था आई तो क्यों ना मैं इस पूरे इंटीग्रल की जगह पे आई लिख दू ठीक है मैम तो ये माइनस आई हो जाएगा है ना ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है मेरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ध्यान से देखना आप लोग ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है ये पूरा एक्सप्रेशन आई है माइनस तो आई हुआ ये यहां पर आएगा तो प्लस आई मतलब आपको मिला टू आई ठीक है ठीक है क्या अब चलो आगे ठीक है तो चलो सो so, हमें मिल रहा है दिस गया वहां तो ये आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू जीरो से कहा जाना है आपको आपको जाना है फाइव बाई फोर तक यहां लिखो लॉग टू और ये रहा आपका dx Log क्या है? है है ना log तो constant है, तो तो को integral के sign के बाहर लिख दो ठीक तो आपको मिला is equal to log integration से pi by dx. और क्या आएगा इसका आंसर चलो आगे इसका आंसर आपको मिलेगा टू आई इज इक्वल टू लॉक टू जीरो से पाई बाई फोर डीएक्स इतना आप यहां कहीं रुके थे है ना क्या बनेगा ये x बन जाएगा सो टू आई इज इक्वल टू लॉक टू क्योंकि वन का इंटीग्रेशन x होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहां x मिला लिमिट है आपकी जीरो से पाई बाई फोर तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए आप लोग तो पाई बाई फोर माइनस जीरो कितना आएगा पाई बाई फोर आएगा सो so, और ये लिखा मैंने लॉग टू इस टू को मैं यहां सेंड कर सकती हूं बिल्कुल मैम तो ये क्या बन जाएगा फोर टू जै एट तो आंसर है इसका पाई बाई एट लॉग टू बहुत ही सही क्वेश्चन था या नहीं बताओ आपने जब इस क्वेश्चन को देखा और मैंने आपको क्या कहा कि अगर कभी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आए और आपको स्टार्टिंग नहीं समझ आ रही ना कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है तो एक ही सबसे प्यारी प्रॉपर्टी है और वो ये कहती है कि जब जीरो से ए हो आपके पास एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है तो आप जीरो से ए बिल्कुल जाइए और एफ ऑफ ए माइनस एक्स इस तरीके से रिप्लेस करके लिख दो और फिर ना आप बस आगे चलते चलो कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ओके okay? कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा यहाँ पे फाइव यह बाई फोर माइनस एक्स रूज हो गया ना ये लो ठीक आपने प्रॉपर्टी लगाई फिर आप सोच रहे थे मैम क्या ही हुआ इससे है ना आप यही सोच रहे थे फिर मुझे तो यहाँ पे टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी याद आ गई मैंने वो लगाया फिर नेक्स्ट स्टेप पे मुझे अपने आप ही समझ में आ गया कि एलसीएम लेना चाहिए एलसीएम लिया तो चीजें सिंप्लीफाई होने लगी सिंप्लीफाई होने लगा तो हम यहां पहुंचे यहां जब आप पहुंच गए तभी क्या है Log m by n, उसकी प्रॉपर्टी लगाई इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट किया डिस्ट्रीब्यूट करके ये तो वही आपका क्वेश्चन बन गया जो गिवन था उसे आई नाम आपने स्टार्टिंग में ही दिया था ये चला गया वहां आपको मिला टू आई और ये रहा आपका आंसर कहाँ है आंसर ये रहा आंसर ठीक तो इसका स्क्रीन लो फिर चलेंगे आगे सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर है अब क्वेश्चन नंबर नाइन को देखो आप क्वेश्चन नंबर नाइन इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है मैम जस्ट आपको अभी एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन नंबर सेवन आई थिंक वहां पे क्या हुआ था पैटर्न क्या था वहां पे क्वेश्चन का आई थिंक जीरो से वन लिखा था यहां एक्स था और यहां पे वन माइनस की पावर एन थी तब मैंने आपको कहा कि जब आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन नजर आ जाए कैसा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन ऐसा जीरो से माइनस का तो क्वेश्चन लगाएंगे आप लगाएंगे प्रॉपर्टी जीरो से एफ एक्स डी एक्स क्या होती है वो दैट इज जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी को आपको लगाना होगा क्लियर है ये बात ठीक अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन नजर आ जाए देखो ये आपने जनरलाइज किया ये कोई रूल नहीं है आपने ऑब्जर्व किया कि जब ऐसा पैटर्न बन रहा है तो इस प्रॉपर्टी से हम आसानी से अपने क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो देखो इसका सोलूशन देखो आप लोग जल्दी से सो so, क्या बनेगा ये ये आपका आएगा आंसर आई इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है पहले उसे कॉपी करो जीरो से टू ओके okay? This is x. क्या हमें इंटीग्रेशन में अंडर रूट देखने की आदत होती है बिल्कुल नहीं तो आप अंडर रूट के जगह पे क्या लिखेंगे टू माइनस एक्स और यहां लिखेंगे हाफ और यहां लिखेंगे डी एक्स ठीक अब हम लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में और देखते हैं क्या बनता है आपका आंसर ओके सो आई इज इक्वल टू जीरो से टू एक्स की जगह पे क्या लिखू मैं एक्स को जहां जहां एक्स लिखा है उस एक्स को आप रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से और ए क्या है आपका टू सो एक्स की जगह पे हम लिखेंगे टू माइनस एक्स ब्रैकेट टू माइनस फिर से एक और ब्रैकेट बनाओ क्योंकि एक्स की जगह पे क्या लिखना है आप लोगों को एक्स की जगह पे आपको लिखना है टू माइनस एक्स और ब्रैकेट बन करके पावर हाफ एंड दिस इज डी एक्स देखो क्लियर है क्वेश्चन आपको x की जगह पे a माइनस एक्स रिप्लेस करते चलना था ठीक तो क्या बना आपका क्वेश्चन का आंसर देखो अब सोल्यूशन कैसा बनेगा सोल्यूशन बनेगा आपका i इज इक्वल टू जीरो से टू बिल्कुल ठीक है टू माइनस एक्स माइनस टू बनेगा ये और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा सो टू माइनस टू चला गया और ये प्लस एक्स बना तो एक्स की पावर कितनी बनी हाफ बनी और ये रहा आपका डी एक्स आपने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया है जो भी प्रॉपर्टी आपने अपने आंसर में लगाई है उस प्रॉपर्टी को अपने आंसर शीट में भी लिख देना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओके अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते अब क्या किया जाएगा अब आप इस x की पावर हाफ का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और फिर आप नॉर्मल सा जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से आप इसे इंटीग्रेट करके खत्म करोगे क्वेश्चन को ठीक है सो so, मैं यहां तक लिख देती हूं फिर आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करो सो so, टू की टू इन एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू डी एक्स बेस सेम है पावर ऐड हो जाता है वन प्लस हाफ विल गिव यू थ्री बाई टू अब बस आपको इसे इंटीग्रेट करना है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे x की पावर n वाला क्या होता है वो फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन ओके इंटीग्रेट करना लिमिट रखना और इसका आंसर बहुत ही आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग जाएगा तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है यह आपका अच्छा खासा होमवर्क है बिगनिंग आपको पता चल गई है इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बस सिंप्लीफिकेशन करना है तो वो आपका काम है आप अच्छे से करेंगे सॉल्व ठीक है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता चल रहा है कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसी प्रॉपर्टी लगानी है आई होप पैटर्न्स क्लियर होते जा रहे हैं ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन तक हमने प्रैक्टिस कर लिए जितने भी क्वेश्चंस थे अब आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं आपके वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन आप इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे हम गूगल पर डाल के सर्च कर सकते हैं जब आप सर्च करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और हमारे जो भी एजुकेटर्स आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज है सपोज आप क्लास मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम टू को वॉच नाउ करना चाहते हैं यहाँ जाओ वॉच नाउ पे क्लिक करिए फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा इस पेज में हमने इंटीग्रल्स चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है वो सब आपको एक सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएगा विद द कंसेप्ट ओवरव्यू ओके सो आप जिस भी एक्सरसाइज जिस भी कंसेप्ट को गो थ्रू करना चाहते हैं जस्ट आपको उसके लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए सो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर